अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप डैट ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज जो हमारी असाइनमेंट है वो लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट MGMT 623 की असाइनमेंट है हमारे पास। असाइनमेंट नंबर 1 है ये। ड्यू डेट इसकी 13 दिसंबर 2022 है। टोटल मार्क्स इसके 10 हैं। टॉपिक हमारा क्या है? लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। फॉर सोल्यूशन फाइल आप व्हाट्सएप पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर सोल्यूशन फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी वर्ड फॉर्मेट में रेडी टू। क्वेश्चन के सिनेरियो की तरफ आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट लर्निंग ऑन द टॉपिक ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास है, अली ऑलवेज ट्राई टू इमोशनली कनेक्टेड। अली जो है वो इमोशनली कनेक्टेड है एम्प्लॉयज। ही हैज एन ओपन माइंडेड पर्सन है हु बिलीव इन द फर्स्ट लिसनिंग टू हिज फॉलोअर्स एंड देन कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग ट्रस्ट एंड मोटिवेशन इन दैम। ही हैज डीप इनसाइट नॉट इन टू हिज ओन सेल्फ बट अदर्स एज वेल एज एंड द प्रीविलेंट सोल्यूशन नॉट ऑन टू हिज ओन सेल्फ बट अदर्स एज वेल एज इन द प्रीविलेंट सिचुएशन। उमर इज एन इमोशनली डिटैच्ड पर्सन है हु बिलीव्स इन ऑर्गेनाइजिंग नॉट हिमसेल्फ बट अदर्स, जो कि खुद को ऑर्गेनाइज करने पर बिलीव नहीं करता, दूसरों को ऑर्गेनाइज करने पर बिलीव करता है। एंड द रिसोर्सिस अराउंड हिम, और जो इसके इर्द गिर्द रिसोर्सिस हैं उसको वो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है। ही इज कंप्लाइंट विद हिज ऑर्गेनाइजेशन इन द अचीवमेंट ऑफ गोल सिंस ही कंसिडर टू बी एन एक्सपर्ट इन हिज फील्ड एंड हु नोज हाउ थिंग्स एंड प्रोसीजर्स वर्क, जो कि जानता है कि प्रोसीजर्स और वर्क किस तरह से किए जाते हैं। ये अली और उमर की हमारे पास यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? एज पर द गिवन सिनेरियो कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रोफेशनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अली एंड उमर। अली और उमर की जो हमारे पास प्रोफेशनल करेक्टरिस्टिक्स हैं हमने वो यहाँ पे मैंशन करनी है। एनालाइज हु इज लीडर एंड हु इज अ मैनेजर बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट वन आर्गूमेंट, के सबसे पहले हमने अली और उमर दोनों की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंपेयर करना है। नेक्स्ट हमने एनालाइज करना है हु इज अ लीडर एंड हु इज अ मैनेजर, कि उन दोनों में से लीडर कौन है और मैनेजर कौन है, और उसके साथ हमने वन वन आर्गूमेंट देना है कि लीडर होने की क्या रीजन है और मैनेजर होने की क्या रीजन है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको पहले यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ यहीं पे। इसी तरह सबसे पहले जो अली की हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये वाली जो मैंने हाईलाइट कर दी है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, इमोशनली कनेक्टेड है, ओपन माइंडेड है, फर्स्ट लिसनिंग है, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, ट्रस्ट एंड मोटिवेशन है, और डीप इनसाइट है, एंड प्रीवेलेंट सिचुएशन में वो हर चीज को मैनेज कर लेता है। सेकेंड हमारे पास है इज एन इमोशनली डिटैच्ड पर्सन, वो इमोशनली डिटैच पर्सन है हु बिलीव्स इन एन ऑर्गेनाइजिंग, जो कि ऑर्गेनाइज करना चीजों को पसंद करता है, और रिसोर्सिस अराउंड हिम, ही कंप्लायंट विद हिज ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ा हुआ है। इसमें ये वाला हाईलाइटिंग पर्सन, ये सारी जो मैंने हाईलाइट कर दी हैं चीजें, ये सारी हमारे पास उन दोनों की करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। सेकंड उसने पूछा कि हु इज अ लीडर एंड हु इज अ मैनेजर, तो इन दोनों को कंपेयर करने से आपको पता चल रहा होगा कि अली मैनेजर है या लीडर है, और उमर मैनेजर है या लीडर है। इस दोनों चीजों को आपने मेंशन करना है। लीडर होने की ये करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, मैं आपको ऐसी गाइड कर देता हूँ। लीडर होने के लिए हमारे पास ये है कि वो ओवरऑल कनेक्टेड हो अपने एम्प्लॉयज के साथ, उनका हर तरह से ख्याल रखता हो, उनको मोटिवेट करता हो, और जो मैनेजर होता है उसका काम करना होता है ऑर्गेनाइज करना और अपनी चीज़ों को वेल मैनेज्ड करना। तो ये दोनों के मैंने आपको जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस के वो बता दी हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसका प्रॉपर सॉल्यूशन फाइल रेडी टू सबमिट चाहिए हो तो वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको रेडी टू सबमिट फाइल भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।